आजकल भाजपा नेताओं का किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में रहना फैशन सा बन गया है। अब कैथल के गुहला जिक्का के भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर भी इसी दौर का हिस्सा बन गए हैं। वार्ड नंबर 17 के लोगों ने भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर पर आरोप लगाया है कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में स्थानीय भाजपा विधायक कुलवंत बाजीगर ने गरीब लोगों को कपड़े वितरित किए थे, लेकिन लोगों का कहना है कि ये कपड़े विधायक ने शमशान से मंगवाकर बांटे थे। कल नौ वर्ष के उपलक्ष्य में विधायक कुलवंत बाजीगर द्वारा शहर के गरीब लोगों में कपड़े वितरित किए गए थे, जिसमें शॉल और कंबल थे। विधायक द्वारा बांटे गए कंबल और शॉल की सच्चाई उस समय पता लगी जब वार्ड नंबर 17 के लोगों ने विधायक द्वारा बांटे गए शॉल और कंबल को सड़क पर फेंक कर जला दिया और साथ ही विधायक कुलवंत बाजीगर का पुतला भी फूंका और विधायक कुलवंत बाजीगर के खिलाफ जल्दी देख जोरदार नारेबाजी की गई और विधायक को गालियां भी दी गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि विधायक कुलवंत बाजीगर द्वारा उनको जो कपड़े बांटे गए हैं वो कपड़े शमशान के हैं, जिन पर खून और बॉस का रंग लगा हुआ है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कपड़े शमशान से लाए गए हैं। लोगों ने कहा है कि विधायक कुलवंत बाजीगर द्वारा उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक द्वारा की गई इस हरकत का जवाब वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देंगे। लोगों ने विधायक पर आरोप लगाया है कि विधायक द्वारा जिस जगह में वो बैठे हैं उस जगह को भी खाली करने की धमकी दी जा रही है। लोगों ने कहा है कि विधायक कुलवंत बाजीगर ने जिस तरह उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया है उसे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति व्यक्ति द्वारा वाहवाही लूटने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। विधायक ने इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए पहुंचे शहर के प्रमुख भाजपा नेता एवं पार्षद सुरताराम शर्मा पत्रकारों के सवाल में उलझ गए और बात का गोलमाल जवाब देते हुए कहा है कि शहर की एक संस्था द्वारा विधायक कुलवंत बाजीगर को शॉल और कंबल वितरित करने के लिए प्रार्थना की गई थी, जिस पर विधायक ने शहर के गरीब लोगों में शॉल और कंबल वितरित किए हैं। विधायक महोदय को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये शॉल और कंबल शमशान से लाए गए हैं। पार्षद महोदय ने सारा आरोप शहर की संस्था पर जड़ दिया है और कहा है कि विधायक महोदय को बदनाम करने के लिए शहर की संस्था द्वारा ये किया गया है। गौरतलब है कि पार्षद महोदय पहले तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये शॉल और कंबल शमशान से लाए गए हैं। जब मान गए तो सारा आरोप शहर की संस्था पर जड़ दिया। क्या कारण रहे? कारण ऐसे है जी, देखो हमारे, देखो हम गरीब आदमी हैं, हमारे को देने के लिए आया था। हम सर्दियों में देखो हम नमें कपड़े फेंक रहे हैं, पुराने हमने रख रखे हैं, नमें हम फेंकने लग रहे हैं। कारण ऐसे है कि वो कपड़े है ना, जो वो मुर्दघाट के कपड़े है जी। हमारे लोग देखो औरत मर गई और हमारे बच्चे भी देखो बीमार है। हम गरीब आदमी जरूर है, नमें कपड़ा रखने का हमारे को शौक है, फेंकने का शौक नहीं है। जितने भी बस्ते ये कपड़े मिले सब बाहर फेंक दिया हमने। हमारा कारण है जी, ये कलवंत ने करा हमारे साथ, गरीबों के साथ मजाक। नमी साल को हमारे को खप्पन देखे गया। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि ये कपड़े मुर्दा घर से लाए गए हैं? इस आधार पर कह सकते हैं, देखो जी लग रहे हैं जी, खून लग रहे हैं, खून लगे हुए हैं और बादशाह का रंग लगे हुए हैं। सारे दिखाते हैं आपको, मुर्दे उठाते रंग लगे थे। ये देखो बादशाह का रंग है, ये हमारा गरीबों का, देखो हमारा मुर्दा का हाथ करके। केवल नया साल मनाने के लिए अग्रवाल धर्मशाला में इकट्ठे हुए थे सारे के सारे, और जो है ये काम कर अपने अपने जो खुशी जता रहे थे, परंतु साइंस ट्रस्ट वालों ने कहा कि हमारे पास कुछ लोहिया हैं विधायक जी, इन लोहिया ने बैंड दो, उसका बहुत कसूर नहीं है। उसने जो है उस चीज को लेते हुए ये समझा कि कोई बात नहीं, लोहिया बांटनी है मैं बैंड दूंगा। उसको ये मालूम नहीं था कि ये शमशान घाट के कपड़े हैं या कोई मुर्दे के कपड़े हैं। इसमें अनहोनी में, अनजानी में ये कपड़े बांटे गए, और विधायक ऐसा काम आदमी नहीं है जो मुर्दे के कफन को गरीब आदमी में बांटे। तो आप ये मानते हैं कि ये कपड़े मुर्दा घर से लाए गए थे? नहीं, ये भी आपने कि जब ये कहते हैं ना, इस चीज को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि साईं ट्रस्ट ने जो धोखा दिया है वो शायद मुर्दे के कपड़े हो, परंतु हमारे विचार में साईं मुर्दे के कपड़े लेके लिए आए थे हम। कल हमारे विधायक साहब ने 2018 की शुरुआत करते हुए जो गरीबों के साथ जो भत्ता मजाक किया है वो हमारे पूरे गुना हल्का के लिए बहुत ही दुखनीय बात है। यदि हमारे विधायक साहब को समाज सेवा ही करनी थी तो वो कपड़े बांटने ही थे उनको, तो दुकान से लेकर कपड़े बांटता। इनका आरोप है और ये आरोप सच्चा है, क्योंकि ये कपड़े जो बांटे गए ये फटे हुए कपड़े हैं, रंगदार कपड़े हैं, और ये शमशान घाट या कहीं से किसी के मृत प्राणियों के उठाए हुए कपड़े बांटे गए हैं। तो इन्होंने गरीब
आदमियों ने ये साबित कर दिया है कि गरीब जरूर है हम, लेकिन हम इस तरह की विधायक की गंदी राजनीति का शिकार नहीं होंगे। इन्होंने सारे के सारे कपड़े विधायक द्वारा बांटे हुए सड़क पे बीच में घेर कर जला दिए हैं, और इसी रोष में विधायक का कलवंत बाजगर का पुतला फूका है। और हम भी एक विधायक साहब को एक कहना चाहते हैं कि विधायक साहब इस गंदी राजनीति को छोड़कर समाज हित में काम करें, और आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से फरहान खान की रिपोर्ट।